हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A59 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A59 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को ब्लैक लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं और कैसे नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव करें और कैसे हटा सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं, तो बैक करके आपको फ़ोन आइकन दिख रहा होगा, उसमें तो फ़ोन आइकन्स पे चले जाना ही है। तो इस पे जाकर नंबर्स को आप ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं। तो जैसे कोई भी नंबर यहाँ से ही ब्लॉक है आपका, तो उसको आप यहाँ से ब्लॉक नंबर है तो उसको यहाँ से भी अनब्लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं तो आपको थ्री डॉट पे जाना होगा और सेटिंग्स पे जाकर नंबर्स को आप ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इस पे जाते हैं ब्लॉकिंग नंबर सेटिंग्स पे, तो यहाँ से भी नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं कि इस पर टैप करते हैं तो टैप करते ही नंबर ब्लैक लिस्ट से हट जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो यहाँ से भी अननोन नंबर्स को भी ब्लॉक लिस्ट से हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और आपके फ़ोन से नंबर वगैरह हट जाएगा जो आपके फ़ोन में शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी नंबर्स को ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं, या फिर ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक भी आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से पासवर्ड डाल के नंबर आपके फ़ोन में ब्लॉक हो जाएगा 10 डिजिट में। तो इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, हम ब्लॉक करना चाहें तो। इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं ओप्पो A59 5G फ़ोन में, और इसको आप हटा भी सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।